हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अर्थवर्म। उस टॉपिक में हमने सारे सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया था, एज वेल एज वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो। जो लास्ट टॉपिक है हमारा अर्थवर्म का आज का, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स जो भी हमारे रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, हम उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन की, अर्थवर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, बट जो नहीं जानते वो भी जान ले बच्चों। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है दैट ऑर्गेनिज्म विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो जब हम बच्चों बात करते हैं अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर दैट इज अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट मींस बाइसेक्सुअल। बच्चों अर्थवर्म बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, बट स्टिल अर्थवर्म डू नॉट परफॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म की बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होने वाले मेल और फीमेल गैमेट सेम ही अर्थवॉर्म के मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करते। दैट मींस अर्थवॉर्म डू नॉट शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बच्चों सेल्फ फर्टिलाइजेशन का ना होने का एक मेन रीजन है कि अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट हैं, बट दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन अर्थवॉर्म बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बट बोथ सेक्स ऑर्गन डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। और यही रीजन है बच्चों कि अर्थवॉर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक ही अर्थवॉर्म में उसी की बॉडी का उसी की बॉडी से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बच्चों अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में से मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन अर्थवॉर्म मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। और बच्चों इसी वजह से हम अर्थवॉर्म को प्रोटेंड्रस ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में आइदर प्लांट्स और एनिमल्स फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस। यहां पर अर्थवॉर्म में मेल सेक्स ऑर्गन बिकम मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट्स व्हाई अर्थवॉर्म इज सेड टू बी प्रोटेंड्रस। नाउ इन अर्थवॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इन अर्थवॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है
उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम बात करते हैं कि अर्थवॉर्म की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, ये आपको 10th और 11th सेगमेंट में जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ब्लैक आउटलाइन से, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर सैक। दे आर कॉल्ड टेस्टिकुलर सैक। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में अर्थवॉर्म में टू पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर इज प्रेजेंट इन 10th सेगमेंट, सेकेंड पेयर इज प्रेजेंट इन 11th सेगमेंट। फर्स्ट पेयर इज प्रेजेंट इन 10th सेगमेंट, सेकेंड पेयर इज प्रेजेंट इन 11th सेगमेंट। क्लियर दिस थिंग? ओके, नाउ जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। टेस्टीज इन अर्थवॉर्म प्रोड्यूस मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म्स। टेस्टीज इन अर्थवॉर्म प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स। बट बच्चों, टेस्टीज से बनने वाले स्पर्म्स अर्थवॉर्म में, टेस्टीज से बनने वाले स्पर्म्स इमैच्योर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? इमैच्योर। ये स्पर्म्स टेस्टीज से निकलकर इन फनल से होते हुए, ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्पर्मीड्यूसल फनल्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पर्मीड्यूसल फनल। टेस्टीज से निकलने वाले मेल गैमेट्स और स्पर्म्स स्पर्मीड्यूसल फनल से होते हुए सेमाइनल वेसिकल में एंटर करते हैं। किसमें एंटर करते हैं बच्चों? सेमाइनल वेसिकल्स। दीज ब्लैक कलर स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट इन 11th एंड 12th सेगमेंट, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। स्टूडेंट्स, टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म्स आर इमैच्योर विच आर डेवलप्ड बाय टेस्टीज। दीज इमैच्योर स्पर्म्स एंटर इनटू सेमाइनल वेसिकल्स वेयर दे गेट न्यूट्रिशन एंड दे बिकम मैच्योर। दे बिकम मैच्योर, दैट मींस अगर हम बात करते हैं बच्चों टेस्टिकुलर सैक की, तो टेस्टिकुलर सैक कंटेन पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्मीड्यूसल फनल एंड सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स की जो लोकेशन है, दैट इज इन 11th सेगमेंट एज वेल एज इन 12th सेगमेंट। 11th सेगमेंट एज वेल एज इन 12th सेगमेंट। 11th सेगमेंट में जो सेमाइनल वेसिकल है, that receive sperms from spermidiocele funnel which is located in 10th segment, and jo seminal vesicle 12th segment mein hai, they receive sperms by spermidiocele funnel which is present in 11th segment. In this way, from testes sperms enter into seminal vesicle where they get mature and they get proper nutrition. बच्चों, seminal vesicle से होते हुए, seminal vesicle से होते हुए, दोनों साइड की seminal vesicle से होते हुए two pairs duct arise होती हैं which carry sperms towards this gland. These two pairs duct which are carrying sperm from seminal vesicle to this gland, they are called
वासा डिफरेंशिया, दे आर सेट टू बी वासा डिफरेंशिया। तो बच्चों ये जो टू पेयर्स डक्ट है दे आर कॉल्ड वासा डिफरेंशिया और वास डिफरेंस। वॉट इज द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस? दे आर कैरिंग स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल अप टू दिस ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड विच इज लोकेटेड फ्रॉम 17th to 19th or 20th सेगमेंट, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ बच्चों वास डिफरेंस आर कैरिंग स्पर्म्स, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड पर अटैच होकर दे ऑल्सो गेट द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, ये सारा सिक्रीशन स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये सारा सिक्रीशन 18th सेगमेंट पर प्रेजेंट, 18th सेगमेंट पर प्रेजेंट मेल जेनाइटल पोर में ओपन होता है थ्रू अ डक्ट। दिस डक्ट विच इज कैरिंग सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ वास डिफरेंस ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट। प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन टेस्टिकुलर सैक्स विच आर प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट। दीज टेस्टिकुलर सैक कंटेन अ पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म्स विच एंटर इनटू सेमाइनल वेसिकल थ्रू स्पर्मीड्यूसल कैनाल और फनल। टेस्टीज प्रोड्यूस इमैच्योर स्पर्म्स, और बच्चों ये स्पर्म्स सेमाइनल वेसिकल में जाकर मैच्योर होते हैं। देन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स स्पर्म्स अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल रन्स अप टू प्रोस्टेट ग्लैंड बाय द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस। सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऑल्सो एंटर into the male genital pore, comes out through male genital pore by an common opening that is called prostatic spermatic duct। बच्चों ये पूरा male reproductive system का secretion 18th segment की ventral surface पर located male genital pores के through बॉडी से बाहर निकलता है, और ये बॉडी से बाहर निकलकर कहां जाता है हम उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो, अभी हमने बात की थी कि अर्थवॉर्म शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के लिए दो अर्थवॉर्म बॉडी का होना जरूरी है। जब अर्थवॉर्म के बीच में, जब दो अर्थवॉर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो वो अर्थवॉर्म इस तरीके से आपस में अटैच होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक अर्थवॉर्म के ये 18th सेगमेंट के पोर्स दूसरे अर्थवॉर्म के इन स्पर्मेथ की, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बच्चों ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं स्पर्मेथ की। इन स्ट्रक्चर्स का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना। तो जब दो अर्थवॉर्म आपस में फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पास पास अरेंज होते हैं तो इस 18th सेगमेंट पर प्रेजेंट
पोर से जो स्पर्म्स निकलते हैं वो दूसरे अर्थवॉर्म के इन स्पर्मैथिकी में स्टोर हो जाते हैं और स्पर्मैथिकी में स्पर्म स्टोर होने के लिए मेल जेनाइटल पोर से एक स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज कॉल्ड मेल जेनाइटल पैपिला. दैट मेल जेनाइटल पैपिला हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ वन अर्थवॉर्म इनटू द स्पर्मैथिकी ऑफ एनदर अर्थवॉर्म. बच्चों इन स्पर्मैथिकी की लोकेशन पूछी जाती है. यहां पर आपको फोर पेयर स्पर्मैथिकी दिख रहे हैं. ये फोर पेयर स्पर्मैथिकी फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट के इंटर सेगमेंटल ग्रुप पर है, सिक्स और सेवेंथ के सेप्टा पर है, सेवेंथ और एट्थ के सेप्टा पर है एंड एट्थ और नाइन्थ के सेप्टा पर है. तो बच्चों स्पर्मैथिकी की जो लोकेशन है दैट इज 5/6 सेगमेंट, 6/7, 7/8 एंड 8/9. ये ऑब्लिक का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पर्मैथिकी आर लोकेटेड बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट. जो सेप्टा फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उस सेप्टा पर ये स्पर्मैथिकी प्रेजेंट है. सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बच्चों हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. ध्यान से सुनिएगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन वन पेयर ऑफ ओवरीज विच आर लोकेटेड इन बिटवीन 12-13 सेगमेंट. दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी ओवरीज. वन पेयर ओवरीज आर लोकेटेड इन बिटवीन 12-13 सेगमेंट. बच्चों दीज ओवरी प्रोड्यूस ओवा. वो ओवा इन ओवेरियन फनल से होते हुए, वो ओवा इन ओवेरियन फनल से होते हुए ओवीडक्ट में जाकर स्टोर होते हैं. ये ओवा ओवेरियन फनल से होते हुए ओवीडक्ट में जाकर स्टोर होते हैं. क्लियर दिस थिंग? बच्चों दोनों ओवीडक्ट कंबाइंड होकर ओपन होती हैं 14th सेगमेंट में. दोनों ओवीडक्ट कंबाइंड होकर ओपन होती हैं 14th सेगमेंट में. ओके अच्छा, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा अर्थवॉर्म में 17th एंड 19th सेगमेंट में, अर्थवॉर्म में 17th एंड 19th सेगमेंट में बच्चों यहां पर एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जब अर्थवॉर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पास पास अरेंज होते हैं तो दोनों अर्थवॉर्म को अटैच रखने में इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन उन अर्थवॉर्म को पास पास अटैच रखने में हेल्प करता है. क्लियर दिस थिंग? आई एम जस्ट राइटिंग हेयर लोकेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स. जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस, वन पेयर इन 10th सेगमेंट, वन पेयर 11th सेगमेंट में होता है जो इस स्ट्रक्चर की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है. यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 10th एंड 11th सेगमेंट. अगर हम बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल्स की, सेमाइनल वेसिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन टू पेयर्स बट इन नेक्स्ट 11th एंड
ट्वेल्थ सेगमेंट। वास्ट डिफरेंस रन करती है अप टू 18th सेगमेंट। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, सेवनटीन टू 19th सेगमेंट। एसेसरी ग्लैंड्स 17th सेगमेंट एंड 19th। प्रोस्टेट 17 से 19 और कभी कभी 20th सेगमेंट तक भी रन करती है। देन पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन 12th एंड 13th सेगमेंट। तो जो ये सेगमेंटल सेप्टा है 12th और 13 के बीच का, वहां पर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ 12 टू 13। एंड बच्चों ये हम पहले ही लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि फीमेल जेनाइटल पोर ओपन आउटसाइड बाय 14th सेगमेंट, जो कि सिंगल ओपनिंग होती है, और मेल जेनाइटल पोर हैव अ पेयर्ड ओपनिंग ऑन 18th सेगमेंट। सो दिस इज अबाउट फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। नाउ अब हम बात करते हैं अर्थवर्म में कॉपुलेशन की और फर्टिलाइजेशन की। देखो बच्चों यहां पर हम इन मार्कर्स को अर्थवर्म से कंपेयर करते हैं। सपोज दिस वन इज अ अर्थवर्म जिसका ये हेड रीजन, ये टेल रीजन। दिस वन इज अ अनदर अर्थवर्म जिसका हेड रीजन यहां है, टेल रीजन यहां है। अब इस अर्थवर्म का जो 18th सेगमेंट होगा वो इस अर्थवर्म के इन स्पर्मेथिकी के पास अरेंज होगा इस तरीके से। क्लियर? दिस पोजीशन ऑफ अर्थवर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन इज कॉल्ड जक्स्टापोजिंग पोजीशन और लोकेशन। क्लियर? जस्ट अपोजिंग लोकेशन और पोजीशन। अब देखो बच्चों इस 18th सेगमेंट पर जो मेल जेनाइटल पैपिला होगा वो स्पर्म्स को इस अर्थवॉर्म से इस अर्थवॉर्म के स्पर्मेथिकी में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? ध्यान से सुनना बच्चों। सपोज करो यहां पर हमने एक अर्थवर्म अरेंज किया, ठीक है, उसका 18th सेगमेंट मेल जेनाइटल पोर्स इन स्पर्मेथिकी में स्पर्म्स स्टोर कर रहे हैं। स्पर्म्स एंटर इनटू स्पर्मेथिकी इन अ ग्रुप, नॉट अ सिंगल स्पर्म्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, स्पर्म्स एंटर इनटू स्पर्मेथिकी इन अ ग्रुप, इन अ बंडल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। तो बच्चों जो बंडल होता है, जो ग्रुप होता है स्पर्म्स का, जो स्पर्मेथिकी में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। नाउ इस अर्थवर्म में दूसरे अर्थवर्म के स्पर्म्स आकर स्टोर हो गए। क्लियर दिस थिंग? नाउ इस अर्थवर्म में बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 14th सेगमेंट, 15th सेगमेंट एंड 16th सेगमेंट पर एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइटेलम। Now this clitellum will start to produce a secretion. और बच्चों उस secretion से एक छोटी सी कवरिंग बनती है।
उस कवरिंग को हम नाम देते हैं गर्डिल, उस कवरिंग को हम नाम देते हैं गर्डिल। क्या नाम देते हैं बच्चों? गर्डिल। ध्यान देना बच्चों, यहां पर इधर इस पोर्शन में एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देंगे गर्डिल। क्या नाम देंगे बच्चों? गर्डिल। क्या नाम देंगे? गर्डिल। नाउ दिस गर्डिल विल पुट प्रेशर ऑन दिस अर्थवर्म। ये जो गर्डिल है, ये जो सिक्रीशन बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये इस अर्थवर्म पर एक प्रेशर डालता है जिससे इस अर्थवर्म के 14th सेगमेंट से ओवा निकलकर इस गर्डिल में कलेक्ट हो जाते हैं। 14th सेगमेंट से ओवा निकलकर इस गर्डिल में, इस कवरिंग में कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ अब बच्चों देखो क्या होगा। दिस अर्थवर्म विल स्टार्ट टू मूव बैकवर्ड। यहां पर गर्डिल है, ये अर्थवर्म है, ये गर्डिल है। अब ये अर्थवर्म बैक करना स्टार्ट करेगा, ऐसे रिट्रैक्ट। जब अर्थवर्म बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये गर्डिल आगे मूव करेगा। यस और नो? अब जब ये गर्डिल आगे मूव करेगा और जब ये गर्डिल स्पर्मैथिकी से पास होगा तो स्पर्मैथिकी में जो दूसरे अर्थवर्म के स्पर्म्स थे वो आकर यहां पर स्टोर हो जाते हैं, वो आकर यहां पर स्टोर हो जाते हैं। अब बच्चों इस गर्डिल में, अब इस गर्डिल में दूसरे अर्थवर्म के स्पर्म्स हैं और इस अर्थवर्म का ओवा है। ये गर्डिल धीरे धीरे निकलकर बाहर सॉइल में आ जाता है। उस स्ट्रक्चर को जो अब सॉइल में प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को जो अब सॉइल में प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोकून। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोकून। दिस इज कॉल्ड कोकून फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर बच्चों अब कहां प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चों? सॉइल में। दैट मींस दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्थवर्म में इस कोकून के अंदर स्पर्म्स भी प्रेजेंट हैं और इस कोकून के अंदर ओवा भी प्रेजेंट है। बच्चों अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन कोकून के अंदर सॉइल में होता है। तो अर्थवर्म में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर ना होकर कहां होती है बच्चों? सॉइल में होती है। कहां होती है? सॉइल में। सॉइल में जब फर्टिलाइजेशन होगा कोकून के अंदर तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उस जाइगोट से इन ईच कोकून 2 to 20, इन ईच कोकून 2 to 20 यंग अर्थवर्म्स स्टार्ट टू डेवलप। बच्चों अर्थवर्म में डेवलपमेंट के टाइम पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं बनती। अर्थवर्म शो डायरेक्ट डेवलपमेंट और जब कोकून के अंदर 2 to 20 छोटे छोटे वॉर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं फिर वो वॉर्म्स कोकून से बाहर निकल आते हैं। हां फर्टिलाइजेशन के बाद और वॉर्म्स के डेवलप होने के बीच में अप्रॉक्स 3 week का टाइम पीरियड लगता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अप टू द डेवलपमेंट ऑफ यंग अर्थवॉर्म्स 3 week टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड। और बच्चों जो ये यंग अर्थवॉर्म बनते हैं
ये न्यूट्रिशन लेने के लिए कभी कभी जो दूसरे वहां पर फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट प्रेजेंट हैं उनको फीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से अर्थवॉर्म का जो फर्टिलाइजेशन और फाइनल डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो बॉडी के अंदर ना होकर कहां होता है, सॉयल में। वी कैन से इन अर्थवॉर्म फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। क्लियर दीज थिंग्स? इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनी अदर टॉपिक विच वर स्टडीड प्रीवियसली, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एनी टाइम। क्लियर दीज थिंग्स? थैंक यू सो मच।